बन के हो गई है तैयार, हलवा भी बन के हो गया है तैयार। मैं अभी चांद को चल दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। अच्छे होने चाहिए, दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ। सिर पे हो हाथ तेरा, सहारा बनना हमेशा मेरा। जय श्री श्याम, बोलो खाट श्याम बाबा की जय। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे चले गए हैं अपने स्कूल कॉलेज, लेकिन सुमित जी भी फार्मेसी पर नहीं गए हैं। आज मेरा फास्ट है गणेश चतुर्थी का, तो वो मेरे लिए फूल माला वगैरह लेने के लिए गए हुए हैं, लेकिन मैंने उनका नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर दिए हैं। बस मैं उन्हें इंतजार कर रही हूँ कि वो भी अभी नहाना धोना उनका भी नहीं हुआ है अभी, और मेरा भी नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले उनको भेज देती हूँ, वो फार्मेसी चले जाएंगे, तो उसके बाद फ्री होकर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी का पाठ वगैरह करना होता है तो थोड़ा टाइम भी लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि उनको भेज के ही मैं अपनी पूजा करूँगी। अभी गुंजन और परीक्षा भी नहीं आई है, घर में साफ़ सफाई भी नहीं हुई है, तो साफ़ सफाई होगी तभी पूजा पाठ होंगे, वो लोग आने वाली होंगे। आज मैंने सुमित जी के लंच में बनाई है आलू मेथी की सब्जी और बूंदी का रायता, तो मैंने इनके लिए थोड़ा थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि मेरा तो आज व्रत है। सो गाइस, मेरा व्रत है, बच्चे आएंगे शाम को, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाना बनाया है इनके लिए। और अब मैं क्या करने वाली हूँ गाइस, क्या कहते हैं, दही होगी थोड़ी खट्टी, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें ऐसा क्या करूँ जो थोड़ा सा इनको अच्छा लगे, क्योंकि खट्टी दही बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो रायते में हल्का सा खट्टापन तो आएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना थोड़े से ग्रेप्स काट के डाल देती हूँ, तब भी रायते किस सिप लेंगे थोड़ा सा मीठा सा लगेगा, तो मैं उसमें दो चार अंगूर डाल देती हूँ। पूजा पाठ भी हो चुकी है, अब रात तक करना है चंदा मामा का इंतजार, क्योंकि चांद को देख के व्रत खुलेगा, तो आज सारा दिन व्रत रखूंगी और चांद का इंतजार करूंगी, क्योंकि चांद देख के व्रत खुलेगा। सो मैं जा रही हूँ पार्लर, हेलो कैसे हो आप? अच्छी हूँ। बताइए क्या काम आज आपका? मुझे इसकी वैक्स करानी थी। सो गाइस, मेरी बार भी आ गई है स्कूल से, और मेरी बार भी क्या खा, बार भी आप क्या खा रही हो बताओ पहले, जो कल पापा के लिए बना के दी थी मैंने, जैसी वैसी बना के दी ना मैं आपको, मिक्स फ्रूट चाट है ना, अच्छी लग रही बेटा आपको, अच्छी लग रही है आपके लिए, राइस भी बनाओ बेटा, बना लिए राइस भी, बना दो एक कटोरी बनाना छोटी, ठीक है ठीक है ओके। मैं पार्लर में चली गई थी तो बारहवीं स्कूल से आ गई, तो मैं उसके लिए भी कुछ बना नहीं पाई हूँ, तो मैंने जल्दी से उसको मिक्स फ्रूट चाट बना के मैंने उसको दे दिए, तो उसको अच्छी लगी है, वो खा रही है अभी, लेकिन मुझे उसके लिए जीरा राइस बनाना है अभी, तो मैं उसके लिए जीरा राइस बनाऊँगी, और अभी चावल पहले भिगो देती हूँ 10 मिनट बाद मैं बनाऊँगी। तो मैंने बारहवीं के लिए चावल भिगो दिए हैं, अभी 10 मिनट चावल भिगो के रखूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। आज धूप तो अच्छी निकली है, मगर हवा बहुत तेज चल रही है, सारे कपड़े उड़ गए हैं, सारे कपड़े उड़ रहे हैं आज। बारहवीं के लिए चावल मैंने भिगो दिए हैं, तो सोच रही हूँ तब तक एक कप चाय बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा भूख का एहसास मुझे हो रहा है, तो मुझे पहले ये पता था कि जिस सकर चौथ में शाम को 5-6 बजे व्रत खोल लेते हैं, तो ऐसे ही खोल लेते होंगे, लेकिन मैंने पंडित से पूछा कि शाम को खोल लेते हैं क्या, उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो चांद देख के खोलते हैं, तो भाई व्रत तो लंबा हो गया, अब पता नहीं चांद भी कब निकलता होगा। बारहवीं के लिए जीरा राइस भी मैंने बना दिया है, तो जीरा राइस हो के बन के तैयार, उसको दे देती हूँ मैं। सो गाइस, मुझे जाना है लेंस कार्ड,
तो मैंने अपने स्पेक्स बनवाए थे, मुझे उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जा रही हूँ अभी लेंस कार्ड बच्चों के साथ। बच्चे नीचे चले गए हैं और मैं भी नीचे जा रही हूँ, जरा बहुत देर भी हो गई है जाने में। सुमित जी भी आने वाले हैं, मुझे जल्दी लौट के भी आना है, अपना भी खाना बनाना है। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ लेंस कार्ड। भैया जरा चश्मे देखिएगा आप, ये भैया चश्मे थे ना, ये दूर पास के दोनों के थे, है ना, तो मुझे इससे कंफर्ट नहीं हो रहा ना दूर का ना पास का, तो आपने कहा था कि ये चेंज हो जाएंगे, अब बताओ क्या करोगे। हम चेक कर लेते हैं, ठीक है जी मैम, आपको दूर में दिक्कत आ रही है या पास में? दोनों में दिक्कत आ रही है मेरे को, ना कोई सा भी क्लियर नहीं हो पा रहा ना पास का ना दूर का। सो गाइज हम लेंस कार से निकल चुके हैं और मैंने अपने स्पेक्स वहाँ पे दे दिए हैं, तो अब मुझे वो कल मिलेंगे, क्योंकि मुझे उनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हम आए थे लेंस कार्ड तो बारबी को चाहिए थी भेलपूरी, तो बारबी ने कहा माँ मुझे खानी है भेलपूरी, तो बारबी लग गई है भेलपूरी खाने में। बेटे ऑर्डर कर दिया इनको, तो तुमने क्या डाला है इसमें? इसमें नमकीनें डाली हैं और प्याज डाली है, टमाटर डाले हैं, मसाला डाला है। अच्छा डाली है, रेड चिली। तो नमकीन किस तरह की डाली है आपने इसमें? इसमें सिक्स तरह की। अच्छा हम लोग घर पे, तो मुझे अपना व्रत का खाना भी बनाना है, तो अपना खाना बनाऊंगी अभी, और सुमित जी भी आने वाले हैं, तो अभी खाने की तैयारी भी नहीं की है, अब करती हूँ खाने की तैयारी। मैं अपने व्रत के खाने के लिए सब्जी बनाऊंगी, तो मैंने इसमें आलू नहीं डाले हैं, थोड़ी सी गोभी, गाजर, मटर वगैरह, मतलब मिक्स वेज टाइप, और क्या मैंने इसमें ग्रेप्स डाले हैं कुछ, क्योंकि ये ग्रेप्स खट्टे थे, तो मैंने सोचा सब्जी में ट्राई कर लेती हूँ, तो देखते हैं गाइस कि खाने में टेस्ट कैसा आएगा इसका। सो गाइस सब्जी बन के हो गई है तैयार, और हलवा भी बन के हो गया है तैयार, हलवा भी बन गया है और सब्जी भी बन गई है, और मुझे बनानी है पूरी, तो मैंने इसमें थोड़ी सूजी डाली है, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बेसन और अजवाइन, हींग, जीरा वगैरह मैंने इसमें मिक्स किया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे कि टेस्ट भी बेहतरीन आएगा इसमें। यहाँ पे रख दिया है मैंने तेल, तब तक तेल गर्म होगा तब तक एक बार मैं आटा फिर से गूंथ लेती हूँ। सो गाइस भगवान जी का भोग हो गया तैयार, अब मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, और ये देखिए गाइस पूरियाँ भी कितनी क्रिस्पी बनी है। जय मेरे प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, जय मेरे प्रभु। सो चांद निकल चुका है, मैं चांद को जल दे के अपना व्रत खोलूंगी। मैं अभी चांद को जल दे रही हूँ। सो गाइस व्रत खोल लिया है मैंने, खाना खा लिया है और सबने ही खाना खा लिया है, और बात करते हैं सब्जी की, जो मैंने सब्जी बनाई थी तो ऐसा कुछ उसमें नया तो था नहीं कुछ भी, लेकिन जो मैंने दो तीन सब्जियां से मिक्स की थी, तो वो जो मेरे पास ग्रेप्स पड़े थे तो खट्टे थे, तो बच्चों ने किसी ने खाए नहीं थे, तो मैं सोचा इसकी ट्राई करके देखते हैं कैसे लगेगी, तो मैंने वो सब्जी में डाल दिए थे, लेकिन सच में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया, अमेजिंग, बहुत टेस्टी थी सब्जी, उसका फ्लेवर अलग ही आ रहा था, आप भी ट्राई ज़रूर करना, और सबको ही टेस्टी लगी है। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय श्री श्याम।